नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर जो भी अभी डिबेट चल रहा है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ के मंदिर को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि 1447 ईस्वी में आपके जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह शर्की थे, उन्होंने हमला किया था। ये जौनपुर के सुल्तान थे मोहम्मद शाह शर्की, इन्होंने हमला किया था। प्रेजेंट जो मंदिर है वहाँ पे काशी में विश्वनाथ मंदिर में, और मंदिर को तोड़कर रजिया जो उनकी बीबी थी, रजिया बीबी की मस्जिद बनवाई थी। ये हो गया। अब 1490 ईस्वी में इसके बाद सिकंदर लोधी ने इसे ध्वस्त किया था। सिकंदर लोधी भी बोल सकते हैं, सिकंदर भी बोल सकते हैं। इसके बाद राजा टोडरमल आते हैं अकबर के समय, जो इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं। ये जो टाइम रहता है 1585 से 1590 का टाइम रहता है आपका, राजा टोडरमल। अभी जो आप परिसर देख रहे हैं, जो मंदिर का एरिया पूरा प्रमेसिस देख रहे हैं, ये राजा टोडरमल के समय का है। तो राजा टोडरमल मान सिंह जो हैं नारायण भट्ट के सहयोग से, राजा मान सिंह भी इसमें सहयोग करते हैं नारायण भट्ट के सहयोग से, ये राजा टोडरमल के बेटे रहते हैं, उनका नाम रहता है गिरधारी, इनके बेटे हैं। इन सबके देखरेख में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया आपका, इतना आपका जब फिर से मंदिर बना। तो जो विश्वेश्वर, इसके पहले भी आपका क्या बोलते हैं, जब ये मंदिर बनवाते हैं, विश्वेश्वर भगवान मंदिर का जो निर्माण है राजा टोडरमल ने करवाया था, और बिंदु माधव के जो मंदिर है उसका महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। विश्वेश्वर जो विश्वेश्वर महादेव है, जिनका अभी आप देख रहे होंगे मिला है शिवलिंग, विश्वेश्वर महादेव का जो मंदिर का निर्माण है राजा टोडरमल ने करवाया था, और बिंदु माधव जो मंदिर है उसका महाराजा मानसिंह ने करवाया था। बिंदु माधव मंदिर, बिंदु माधव, सॉरी बिंदु माधव। इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था, और बाद में एक और मंदिर थे कृतिवाशेश्वर, एक और मंदिर था, एक ये हो गया कृतिवाशेश्वर, ठीक। ये तीन मंदिर आप दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि एक घटना और घटती है, क्योंकि औरंगजेब जब आक्रमण करता है ये तीनों मंदिरों को ध्वस्त करवाता है, ठीक। तो 1600 आपके 32 में अब आ जाते हैं, शाहजहां के आदेश पर मंदिर को फिर से तोड़वाया जाता है।
और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि टोटल वहाँ पे 76 निर्माणाधीन मंदिर को ध्वस्त किए गए थे। ध्वस्त किए गए थे किस टाइम? ये शाहजहां के टाइम। अब इसमें मेन आपका जो आपका स्टोरी जो शुरू होता है वो होता है आपका 1669 ईस्वी में। यहाँ से अभी जो भी डिबेट चल रहा, जो कुछ भी चल रहा, 1669 में औरंगजेब ने इसे ध्वस्त करवाया था। ठीक, मंदिर ध्वस्त करवाया, करवा के मस्जिद बनवाया जिसका नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद रखा। इसका नाम, ठीक, तीन मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाया था, विश्वेश्वर महादेव, बिंधु माधव और कृतिवाशेश्वर। ये तीन मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाया था। ये हमेशा आप आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। और तीनों की जगह मस्जिद बनवा दी। और औरंगजेब ने एक काम और किया था, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, काशी का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। ठीक, ये हो गया। ये 500 वर्ष जो धर्म की दृष्टि से, ऐसा इतिहासकारों का कहना था कि जो समय था उस समय का, ये स्पेशली चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिए, चाहे आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लीजिए, सिकंदर लोधी को ले लीजिए, आप सुल्तान मोहम्मद शाह को ले लीजिए, चाहे शाहजहां को ले लीजिए, ये जो 500 वर्ष था, 1194 से 1669 तक का ये जो वर्ष था, ये 500 वर्ष स्पेशली धर्म के दृष्टि से काशी के लिए बहुत ही कठिन समय था। ये ऐसा समय था कि सन्यासियों को दीक्षा देने के लिए अधिकारी तक खोजने के लिए नहीं मिलते थे। ये तो फिर क्या हुआ, इसके बाद फाइनली 1752 आता है। ये आपके दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव, इन लोगों ने आवाज उठाया कि काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए, आंदोलन चलाया पुनर्निर्माण के लिए। आंदोलन चलाया फिर 1780 में फाइनली 1776 से 1778 तक, 1780 में फाइनली बन के रेडी हो जाता है, लेकिन आप 1776 से 1778 तक का टाइम रखिए। 1780 जैसा कि इतिहास में पढ़ते हैं, इसको मेन आप डेट रखिए, कट ऑफ डेट। तो 1776 से 1778 तक महारानी अहिल्याबाई जो होलकर हैं, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर पुनर्निर्माण काशी के विश्वनाथ मंदिर का इन्होंने करवाया। लेकिन नंदी जी जहाँ पे हैं अभी आज प्रेजेंट में, नंदी जी मंदिर के प्रेमाइसिस में, जो पुराने वाले नंदी जी हैं वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, उनको उन्होंने उसका उनका पोजीशन चेंज नहीं करवाई साधु महात्माओं के कहने पर। ये भी एक फैक्ट है जो आपको अपने नॉलेज में रखना है। 1853 में फाइनली महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज भिन्न से डरते थे, कभी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि पंजाब और सिंध क्षेत्र में प्रवेश कर जाए जब तक ये राजा थे।
पूरा पाकिस्तान जो आज बोलते हैं लाहौर क्षेत्र, अमृतसर, पूरा इनके अधीन था, मतलब ये वहाँ के राजा थे। और तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा 1000 किलोग्राम के सोने का शिखर मंडित किया गया। 1000 किलोग्राम सोने का शिखर। अभी भी आप विश्वनाथ जी के मंदिर में जो देखेंगे, सोने का जो आप पूरा चादर चढ़ाई गई है, वो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा ही चढ़ाई गई है। तो ये आपका टोटल काशी का जो स्टोरी है, आप 11वीं सदी से 12वीं सदी से जो चल रहा है, ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो जस्ट अ सेकंड इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अब हम वर्तमान में जो समस्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या है 1991 का एक्ट, और 1947 का एक्ट क्या है, ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको समझना है, जानना है, क्योंकि 1936 ईस्वी में जो घटना घटी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1936 ईस्वी में क्या हुआ। मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले मांग किया 1936 में कोर्ट में, ये आज़ादी से पहले की घटना है, मांग किए। क्या मांग किए? मांग किए कि जो पूरा परिसर है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसे एक तरफ से मस्जिद घोषित किया जाए। जितनी प्रमाइसेस है, टोटल प्रमाइसेस, पूरा परिसर जो है ज्ञान व्यापी मस्जिद घोषित किया जाए। उन्नीस में इसका फैसला आया, जजमेंट ऑर्डर दोनों। देखिए, एक जजमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है, और दोनों को समझना जरूरी होता है। जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि फाइनल, जब तक आप ऑर्डर नहीं आएगा उसे हम फाइनल नहीं मानते हैं, डिक्री जिसे कहा जाता है। तो फाइनली 1937 में आपका फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जो भी फैसला था इनका खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने जो अपना ये एविडेंस के तौर पे सुनवाई के दौरान अंग्रेजी, अब जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, वो 1585 का जब टोडरमल ने जो बनाया था मंदिर, समय का नक्शा, एज एन एविडेंस इसको दिखाते हुए बताया कि मंदिर के हिस्से में ये मस्जिद बनाई गई है। नक्शे में पूरा दिखाया कि पूरा जो प्रमाइसेस है ये मंदिर का है, इसमें मस्जिद बनाई गई है। ये था 1937 का, आज़ादी से पहले का फैसला। और जज ने भी ये बात लिखा इसको कि विश्वनाथ, एक विश्वनाथ मंदिर है जो कि ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर ही है। विश्वनाथ मंदिर है
जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के प्रिमाइसेस के अंदर है। ठीक, ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, ज्ञानव्यापी परिसर, सॉरी जो जजमेंट था, ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर है। ठीक, तो ये हो गया 1937 का फैसला। अब प्रेजेंट डिबेट को हम डिस्कशन करते हैं। प्रेजेंट डिबेट क्या है? देखिए, मैं इसे शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो अदालत में मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत जो हुई है 1991 से हुई। ठीक है, शुरुआत हुई और इस मामले में अयोध्या की तरह कुल तीन पक्ष हैं। फिलहाल हम दो ही पक्ष को लेकर चलेंगे, लेकिन आप तीन पक्ष मान के चलिए। और मस्जिद परिसर के आसपास की खुदाई के दौरान ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे साबित होता है कि वहाँ एक मंदिर था। ये चीज़ एक, मतलब एक फैक्ट भी है। आप इसे इंडियन एविडेंस में एक होता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तो इसे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के कैटेगरी में रखा गया है। तो अब क्या हुआ कि 1991 में फिर स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई और याचिकाकर्ता ने ज्ञान व्यापी परिसर में पूजा करने की इजाज़त कोर्ट से मांगी। याचिकाकर्ता पूजा करने के लिए, सीधा समझ लीजिए, परमिशन कोर्ट से मांगे। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1998 में आप आ जाइए। 1998 में क्या होता है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, ये क्या करती है कि अलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ पे अलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके सिविल कोर्ट के फैसले को बोलते हैं कि सिविल कोर्ट जो है 91 के एक्ट के तहत फैसला नहीं ले सकता है। 1991 के एक्ट में ये चीज़ लागू होता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस अवस्था में भी आपके जो भी धार्मिक स्थान जैसे थे उसको उसी अवस्था में रहने देना है। ये आपका 1991 का आपका जो एक्ट है उसमें ये चीज़ था। तो उसके तहत पूजा के लिए जो याचिकाकर्ता ने याचिका डाला था 1998 में, फाइनली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाई कोर्ट में, अलाहाबाद हाई कोर्ट, के शरण में ये जाते हैं और ये अपना आर्ग्यूमेंट करते हैं कि किसी भी सिविल कोर्ट को इस एक्ट के अगेंस्ट में कोई भी फैसला सुनाने की अथॉरिटी नहीं है और हाई कोर्ट जो है इस पे रोक लगा देता है। फाइनली इनके बात मान के हाई कोर्ट रोक लगा देता है। बाईस साल तक, उसके बाद अभी कुछ नहीं होता है 2019 तक। 2019 में क्या होता है, जो भगवान विश्वेश्वर हैं, स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की तरफ से एक विजय शंकर रस्तोगी है जो वाराणसी में याचिका लगाते हैं कि पुरातत्व संरक्षण, पुरातत्व विभाग से संरक्षण कराया जाए। इनका नाम है विजय शंकर रस्तोगी। याचिका डालते हैं बनारस के कोर्ट में और पुरातत्व जो ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग से इसका सर्वेक्षण कराने का प्रार्थना एक तरफ से याचिका दायर करते हैं, याचिका ये दायर करते हैं। और फाइनली दो साल बाद 18 अगस्त 2021
पांच महिलाएं, हिंदू महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक वाराणसी सिविल जज के अदालत में एक पिटीशन दायर करते हैं, वाद दाखिल करते हैं कि प्रमाइसेस में जो आपका श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो कि मस्जिद प्रमाइसेस में आता है, उनका दैनिक दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों को सुरक्षित रखा जाए। श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की दैनिक पूजन और उनके जो भी विग्रह हैं उसको सुरक्षित रखा जाए, ऐसा वाद दायर किया जाता है 18 अगस्त 2021 को। और फाइनली 8 अप्रैल 2022 को अजय कुमार मिश्र ये कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, एडवोकेट कमिश्नर। अपॉइंट किए जाते हैं, ये अजय कुमार मिश्र ही हैं जिन्होंने बज्जू के स्थान का पानी खाली कराया और वहाँ कुएं में विश्वेश्वर भगवान शिवलिंग का विग्रह जो है वहाँ पे उसका वीडियो बनाया, वहाँ पे देखा कि है ऑलरेडी। तो ये है आपका प्रेजेंट। अभी क्या है कि ये चीज़ें आपकी चल रही हैं और कुछ चीज़ें आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जिला कोर्ट में इसके बारे में जो भी वाद चल रहा है, डिबेट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नज़र बनाए हुए है। 1991 के एक्ट को लेके भी कुछ आपके क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके भी इस पे प्रश्न चिन्ह किए गए हैं, क्वेश्चन किए गए हैं। तो कोई भी लोअर कोर्ट को इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि किसी एक्ट के खिलाफ मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है कोई मतलब अपनी सुनवाई करे, वो एक्ट के दायरे में रहकर ही सुनवाई करेगा। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा मैं एक कॉमन वीडियो आपको बना के नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं डिस्कशन करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मैक्सिमम 20 मिनट तक हम वीडियो बना सकते हैं फ्रिज में जो अपलोड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।